बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी छुट्टियों के साथ साथ अपने लेक्चर्स को भी खूब मजे से एंजॉय करते होंगे और जो भी होमवर्क मेंशन किया गया है आप लोगों ने उसे टाइम पर कंप्लीट कर लिया होगा। इसीलिए मैं आप लोग के लिए आज नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर हुई हूँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है और इसमें आज हम पेज नंबर 17, 18 एंड 19 को डिस्कस करेंगे। और आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, बीइंग सिस्टमैटिक, लॉजिकल थॉट्स एंड स्ट्रेटेजिक थॉट्स। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे लेक्चर में हमारे पास क्या है। पेज नंबर 17, सर्कल थ्री नंबर्स विच एड टू मेक द सर्कल नंबर्स। मींस के वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने थ्री ऐसे नंबर को सर्कल करना है कि जिनको हम ऐड करें तो यहाँ पर ऊपर जो नंबर मेंशन है वो हमारे पास आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 150, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ इनमें से आप लोगों ने कोई भी थ्री नंबर्स आपने सिलेक्ट करने हैं, कोई से भी जब आप थ्री नंबर्स सिलेक्ट करेंगे तो उनको जब हम ऐड करें तो हमारे पास आंसर यही आना चाहिए जो ऊपर गिवन है 150। मैंने थ्री नंबर्स को सिलेक्ट किया है 30 प्लस 50 प्लस 70, जब हम इन थ्री नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 150 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे प्लस करके चेक कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर टू उस साइड पर है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले आप लोग ये देख लें। अब हमने नंबर्स में से ऐसे नंबर्स को सिलेक्ट करना है जिनको हम सिलेक्ट करें तो उनको हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 180 आंसर। तो हम नंबर्स में से देखते हैं कौन कौन से नंबर्स है। अगर हम देख सकते हैं आप 100 में अगर हम 60 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 160, और 160 में अगर हम 20 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 180। तो इन थ्री नंबर्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 180 आ सकता है। अगर आप लोग इनमें से और भी नंबर्स ढूंढ सकते हैं जिनको आप प्लस करने से 180 आंसर ला सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग कर लें, अपनी मर्जी से भी यहाँ पर नंबर चूज कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो नंबर यही है कि 100 में अगर हम 60 प्लस करें तो 160 आ जाएगा, और 60 में अगर 20 प्लस करें तो 180 आ सकता है। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 330 आंसर लाना है और ऐसे हम थ्री नंबर्स को हम प्लस करेंगे जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 330। तो 330 आंसर लाने के लिए मुझे ये थ्री नंबर्स नजर आ रहे हैं 130 और 110 को, अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 240 आंसर आ जाएगा, और अगर हम 240 में 90 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 330। अगर आप और भी कोई नंबर सिलेक्ट करके आंसर ला सकते हैं 330, तो आप यहां से और भी नंबर सिलेक्ट करके कर सकते हैं, लेकिन नंबर 3 ही सिलेक्ट करने हैं, 3 से ज्यादा नंबर आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने रेड कलर से इनको मेंशन किया है कि इन थ्री नंबर्स को अगर आपको और कोई नंबर नहीं मिल रहा, अगर आप खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं नंबर्स को ऐड करें और आंसर लाएं, तो आप अगर आपका आंसर आ रहा है 330 तो आप लोग उनको कर ले बेशक सर्कल। अगर आप लोगों ने सर्कल करना, मैंने रेड कलर से मेंशन किया है, आप लोगों ने सर्कल करना। अगर आप लोग को बाकी कोई नंबर्स नहीं मिल रहे जिससे आंसर 330 आ रहा है तो आपने इन्हीं तीन नंबर को सर्कल कर देना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आंसर क्या लाना है। हमने 210 आंसर लाना है, यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स गिवन है, हमने उनको ऐड करना है और आंसर लाना है 210। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 90 में अगर हम 70 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 160, और 160 में अगर हम 50 प्लस करें तो हमारे पास 210 आंसर इजिली आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, आपने इनको सर्कल करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल थ्री नंबर्स, थ्री नंबर्स को आपने सर्कल करना है। मैंने तो रेड कलर से मेंशन किया, आप लोगों ने सर्कल करना। ठीक है, अब हमने 240 आंसर लाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स गिवन है, हमने यहाँ पर 240 आंसर लाना है। अगर हम 100 में 80 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 180, और 180 में अगर हम 60 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240। तो हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 240 आंसर आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 इस साइड पर था इसलिए वहां पे मेंशन नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं। अब ये 300 हमने आंसर लाना है, ऐसे नंबर्स को हम प्लस करेंगे कि हमारे पास आंसर आ जाए 300। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम 100 और 120 को प्लस करें तो 220 आंसर आ जाएगा, और 220 में अगर हम 80 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 300। तो इसी तरह आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने आंसर लाना है 310। 310 आंसर लाने के लिए हमने थ्री नंबर्स को सिलेक्ट करना है, वो थ्री नंबर हमारे पास है 130 और 110 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 240 आ जाएगा, और 240 में अगर हम 70 को प्लस करें तो 310 आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, आप अपनी मर्जी से भी कोई नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास आंसर
310 आ सकता है तो आप कोई और नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आंसर 310 ही आना चाहिए। ठीक है, चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। 350 हमने आंसर लाना है। 350 आंसर लाने के लिए हमने 3 नंबर्स को सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 140 और 110 को प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 250, और 250 में अगर हमने 100 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 350। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया गया है 170 हमने आंसर लाना है, और यहाँ पे नंबर्स गिवन है और नंबर्स को हमने ऐड करना है। 90 में अगर हम 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 140, और 140 में अगर हम 30 प्लस करेंगे तो 170 इजीली आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 390 हमने आंसर लाना है। 390 आंसर लाने के लिए हमने 3 नंबर्स को ऐड करना है, और वो 3 नंबर्स है हमारे पास 150 और 130 को अगर हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 280, और 280 को अगर 280 में हमने 110 को प्लस किया तो हमारे पास 390 आंसर इजीली आ जाएगा। और ये 10 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए सॉल्व किए हैं, आप लोगों ने इनको सर्कल कर दें, और ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास बच गए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन इज होमवर्क, राइट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक। आपने बुक के ऊपर ही काम करना है, लेकिन ध्यान से करना है, और 3 नंबर्स को आपने सिलेक्ट करना है, उनको सर्कल करना है, और फिर बाद में आपने प्लस करके चेक करना है कि इनको प्लस करने से हमारे पास वही आंसर आ रहा है जो ऊपर रिक्वायर्ड है या नहीं। ठीक है, ध्यान से काम करना है, और ये 10 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए इसीलिए सॉल्व किए हैं कि बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकें इजीली। ठीक है, चले देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। लॉजिकल थॉट्स, तो चले देखते हैं हमारे पास लॉजिकल थॉट्स में हम क्या कर सकते हैं। यूजिंग एडिशन, हमने एडिशन के पैटर्न को फॉलो करना है। फाइंड द नंबर्स ऑफ द सर्कल, तो इन सर्कल के हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, और कैसे फाइंड करने हैं आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपके पास मिसिंग है। यहाँ पर मैंने आपके लिए दो एडिशन के पैटर्न को सॉल्व किया है, लेकिन आप लोगों के पास बाकी पैटर्न में जो सर्कल गिवन है इनमें आपके पास नंबर नहीं गिवन, ये मिसिंग है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि दरमियान में जो नंबर गिवन है यहाँ पर आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में शेप नजर आ रही है, और इसके अंदर नंबर गिवन है। आपने इन सर्कल्स में, ये जो ऊपर और नीचे सर्कल है, आप लोगों ने इनमें ऐसे दो नंबर को प्लस करना है जिनको आपके पास प्लस करने से आंसर, ये रेक्टेंगल में दिया हुआ आंसर आ जाए। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, 14 दिया हुआ है हमें, और 14 में अब यहाँ से हमने नंबर नीचे दिए हुए नंबर्स को हमने सिलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ पर 10 और 4 को यहीं से पिक किया, और यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड किया। 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह 10 में आप 7 प्लस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये दरमियान में जो 17 गिवन है ये आंसर आ जाएगा, और 7 में आप 4 प्लस करेंगे तो 11 आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, आपने यही नीचे से नंबर सिलेक्ट करने हैं और सर्कल को फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 20 गिवन है, तो हमने यहाँ से एक नंबर लिया 14, हमने ऊपर लिख दिया 14, और यहाँ पर दूसरा नंबर जो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है 6, तो 6 में हमने 14 को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। अब हमने दूसरा नंबर जो सिलेक्ट किया 14 में, हम क्या प्लस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाए 16। 14 में हमने यहाँ से नंबर सिलेक्ट किया 2, हमने 14 में 2 प्लस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 16। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हम 2 में क्या नंबर प्लस करें, कौन सा नंबर प्लस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाए 15। तो हमने 15 आंसर लाने के लिए यहाँ पर 13 प्लस किया, तो 13 में हम 2 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। तो हमने यहीं से नंबर सिलेक्ट किए और ऐसे नंबर सिलेक्ट किए जिनको हम प्लस करें तो दरमियान में जो हमें रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास वो आंसर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 3 पहले से गिवन है, 3 गिवन है, तो 3 में हम क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आंसर 12 आ जाए। तो हमने यहाँ से 9 लिया, 3 में हम 9 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 9 में हम क्या नंबर प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाए 19। तो हमने यहाँ से 10 लिया, सिलेक्ट किया, और 10 में जब हम 9 को प्लस करेंगे, 10 और 9 को, हमारे पास आंसर आ जाएगा 19। इसी तरीके से 10 और 3 को प्लस करें तो आपके पास 13 भी आ सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने आंसर लाना है 21। 21 आप कैसे आंसर लाएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से आप यहाँ से कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लें, जैसे आप 11 कर लें, यहाँ पर 11 को लिख लें, और 11 में अब यहाँ पर आप दूसरा नंबर कोई भी ले सकते हैं कि 11 एक साइड पे ले लें और दूसरी साइड पे 10 ले लें,
तो 11 और 10 को प्लस करने से आपके पास आ जाएगा 21। इसी तरीके से आप 11 में क्या प्लस करेंगे कि आपके पास 18 आ जाए, तो आप 7 यहाँ से ले सकते हैं कि आप 11 में 7 प्लस करेंगे आपके पास 18 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने 10 लिया था तो आप 10 में से भी 7, यहाँ पर 7 टू टाइम्स दिया हुआ है तो आप टू टाइम्स इसको यूज कर सकते हैं। 10 में आप 7 प्लस करें 17 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 प्लस 7 14। आपने ध्यान से काम करना है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने बस ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनको आप प्लस करें तो दरमियान में जो नंबर दिया है वो आपके पास आ जाए, ठीक है। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट उसमें क्या है स्लाइड में, स्ट्रेटेजिक थॉट्स। चलिए देखते हैं, हेयर आर सम नंबर्स कार्ड, यहाँ पर डिफरेंट कार्ड्स दिए हुए हैं आपको। यूज 5 ऑफ द नंबर कार्ड्स, आपने 5 नंबर कार्ड्स को यूज करना है टू मेक दीज आंसर, मतलब ये आपके पास जो आंसर गिवन है आपने ये आंसर लाने के लिए आपने कार्ड्स यूज करने हैं। मीन्स की देख सकते हैं आप 4 4 4 3 टाइम्स 4 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर ऊपर लिख दिया 4 4 4, और यहाँ पर हमने 3 को हमने 2 टाइम्स लिया, तो आप देख सकते हैं 4 3 को प्लस करें तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7, और 4 में 3 प्लस करें फिर आंसर आ जाएगा 7, और 4 एज इट इज मीन्स 477 हमने आंसर लाने के लिए कार्ड बिल्कुल ठीक सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखे 3 आंसर, हम ऐसे दो नंबर्स को प्लस नहीं कर सकते कि 3 आंसर आ जाए, लेकिन 13 आ सकता है अगर हम ऊपर वाले कार्ड्स में अगर हम 8 8 8 ले लें, और नीचे वाले कार्ड्स में अगर हम 5 5 ले लें और 8 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 कैरी दे दिया, फिर हम 8 में 5 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। 13 में 1 प्लस किया 14, 4 यहाँ पे लिख दिया, 1 ऊपर कैरी दे दिया, और 8 में 1 प्लस किया 9। तो हमने ये नीचे जो आंसर दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने नंबर बिल्कुल ठीक सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब हमने आंसर लाने के लिए देख सकते हैं आप ऊपर 3 यहाँ पर 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा है, और यहाँ पर 2 टाइम्स 7 लिख दिया, और यहाँ पर 2 टाइम्स 2 लिख दिया, ठीक है। मीन्स हमने 2 7 वाले कार्ड्स और 3 2 वाले कार्ड्स लिए हैं, और 7 में 2 प्लस किया 9, और 7 में 2 प्लस किया 9, और यहाँ पर आ गया 2। मीन्स यहाँ हमने रिक्वायर्ड आंसर जो हमें दिया हुआ था और हमने ये लाना था, नंबर्स हमने बिल्कुल ठीक सिलेक्ट किए, और यहाँ पर हमने उसके अकॉर्डिंग आंसर भी ले आए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 6 में हमने 6 6 6 लिया ऊपर वाले कार्ड्स में, और 2 2 हमने नीचे वाले कार्ड्स में लिया, और जब हमने कार्ड सिलेक्ट किया और प्लस किया, 6 में 2 प्लस किया 8 आ रहा है, 6 में 2 प्लस किया 8 आ रहा है, और 6 एज इट इज, तो मीन्स हमने बिल्कुल ठीक कार्ड सिलेक्ट किए हैं, जिससे हमारा आंसर 688 आ रहा है। तो आपने बाकी के क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करने हैं। और एक बात मैं बताती चलूँ, ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें यहाँ पर जो 9 10 है ये मैंने रेस करके लिखा है 9 10, या आप आंसर जो दिया हुआ था वो गलत है, मतलब इनको प्लस करने से वो आंसर नहीं आता, तो आप लोग उसको कट करके यहाँ पर लिख दें 9 10, और फिर आपने कार्ड्स को प्लस करना है, ठीक है। किसी तरीके से भी, मतलब कोई भी कार्ड्स आप ले लें प्लस कर लें, वो आंसर नहीं आ सकता, तो इसलिए आप लोगों ने उसको रेस करके 9 10 लिखे और फिर आप लोगों ने कार्ड्स को प्लस करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एक तरह से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा, ये गेम्स भी हैं एक तरह से आपके लिए, और आप प्लस भी करेंगे, मीन स्टडी भी करेंगे, और इसके साथ साथ एक तरह से आपकी एक्टिविटी आप फ्रेश हो जाएंगे, आप लोग जरूर खुद करें, ठीक है। इस ये करने में उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत ही मजा आएगा, और फिर इसके साथ साथ आप अपना होमवर्क भी देख लें कि आपको होमवर्क क्या दिया गया है। होम असाइनमेंट पेज नंबर 17 18 और 19 जो 3 पेजेस आज करवाए गए हैं आपको, राइट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक, आपने बुक के ऊपर करना है, ध्यान से काम करना है, बहुत मजे की एक्टिविटीज हैं, और इनको आप लोगों ने बहुत इंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ इंजॉयमेंट भी करनी है, और काम भी अपना फिनिश कर देना, ठीक है। लेक्चर आज का आपका बहुत मजे का था, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।